हाय दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू फोकस साल एग्जाम यूट्यूब चैनल से एक बार स्वागत करता हूं। तो बात करने वाले हैं इस वीडियो में साथ आप लोगों के साथ असम राइफल रिक्वायरमेंट 2023 से रिलेटेड। जी हाँ, स्पेशल आप लोग रहने वाली है कुक ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे आप लोगों ट्रेड टेस्ट में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या प्रश्न पूछा जाता है बिल्कुल हम ए टू जेड आप लोगों को दिखाने वाले हैं, बताने वाले हूँ क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं ट्रेड टेस्ट में। और दोस्तों ट्रेड टेस्ट में ही बहुत लड़के फेल होते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रेड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का। इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं ट्रेड से रिलेटेड, अलग अलग ट्रेड आप लोग का ट्रेड से रिलेटेड वीडियो में ला दूंगा जो आप लोग का डिमांड हो। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस ट्रेड से रिलेटेड आप लोग का वीडियो चाहिए, मैं आप लोग का उस ट्रेड से रिलेटेड वीडियो में आप लोग का बना दूंगा, अपलोड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, पहले फर्स्ट आप लोग ये ट्रेड से रिलेटेड हम लोग बताने वाला हूँ क्या क्या इसमें ट्रेड टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ट्रेड में आप लोग बहुत लड़के छटते हैं। मान को चलो आप लोग का 100 डेली आप लोग लड़के क्वालीफाई करते हैं अगर रनिंग, तो उसमें 100 में से मान को चलो 20 ही लड़के मतलब ट्रेड टेस्ट में पास होते हैं। बहुत कम लड़के पास होते हैं ट्रेड टेस्ट में। और ट्रेड टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ट्रेड टेस्ट कैसे होते हैं, कब होता है, बिल्कुल हम ए टू जेड सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाला हूँ कुक ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, तो असम राइफल में आप लोग कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसेस है बिल्कुल हम बात करेंगे। और आप लोग को बता दें एक ही वीडियो में सबको जानकारी है मिलने वाली है, इसके वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दें ट्रेड टेस्ट से पहले आप लोग क्या क्या होता है, तो प्रोसेस उसका बता रहे हैं, ऑल प्रोसेस बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आप लोगों को ट्रेड टेस्ट बताने वाला क्या क्या होता है। ठीक है, सीरियल नंबर वाइज बताने वाला। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए, ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की फर्स्ट आप लोग होती है PST और आप लोग का PAT मतलब आप लोग का रनिंग होती है। रनिंग आप लोग कितनी होती है, तो ये आप लोग होती है 5 किलोमीटर और आप लोग समय कितना होता है 24 मिनट मतलब 24 मिनट आप लोग को समय दी जाएगी और 5 किलोमीटर को रनिंग करना है। ठीक है दोस्तों, वो क्लियर करने के बाद आप लोग का PST होती है मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब आप लोग का हाइट वेट और आप लोग का हाइट वेट चेस्ट नापा जाता है, इसमें मेजरमेंट होती है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग होने के बाद तो आप लोग होती है DV मतलब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है डोर नंबर पर। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग होने के बाद रनिंग और आप लोग का PST होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद आप लोग क्या होती है ट्रेड टेस्ट होती है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग का ये होती है ट्रेड टेस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आप लोग ट्रेड टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं बिल्कुल आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, ट्रेड टेस्ट में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें लड़के बहुत बहुत छड़ जाते हैं, इसमें आप लोग लड़के बहुत फेल होते हैं ट्रेड टेस्ट में। मान को चलो आप लोग 100 लड़के आप लोग क्लियर कर लिए हैं दौड़ आप लोग। ठीक है दोस्तों, और इसमें आप लोग ट्रेड टेस्ट में ऑलमोस्ट आप लोग 100 में से 20 लड़के ही पास होते हैं, 20 मतलब 20 ही लड़के पास होते हैं, 20 लड़के पास होते हैं। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है ये आप लोग ट्रेड टेस्ट में बहुत लड़के फेल होते हैं, इसलिए आप लोग बताने वाला क्या क्या इसमें कुक के ट्रेड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रेड टेस्ट रिलेटेड बिल्कुल ए टू जेड हम बताने वाले। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर के स्टार्ट करते और क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आप लोग ये सामने आप लोग देख रहे होंगे, ये आप लोग का सब मसालों का स्पाइसी का इंडियन स्पाइसी का आप लोग का ये लिस्ट है, मतलब बिल्कुल हम लोग बताएंगे आप लोग ट्रेड टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुक के ट्रेड में। तो फर्स्ट आप लोग लड़के मतलब कितने लड़के एक बार बुलाते हैं ट्रेड टेस्ट के लिए, तो आप लोग मान के चलो 5 से 6 लड़के एक ट्रेड टेस्ट के मतलब एक टेबल बैठ जाए 5-6 लड़के बुलाते हैं। ठीक है, तो हर 5-6 के मतलब वो बुलाएंगे, उसके बाद उसमें से आप लोग का इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, जो मतलब क्वेश्चन कितने पूछेंगे, क्वेश्चन मान के चलो आप लोग 14 से 15-16 क्वेश्चन पूछेंगे, ये आप लोग अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, एग्जामिनर आप लोग को बताना है 15 में से कम आप लोग का 10 करेक्ट क्वेश्चन बताना है, 10 आप लोग सही बता दिए, जो भी इसमें 5 से 6 जो कोई क्वेश्चन सही बता मतलब लड़के में से अगर 10 क्वेश्चन सही बता दिए 15 में से तो वो आप लोग का पास कर देंगे। ठीक है दोस्तों, पास कर देंगे, नहीं तो आप लोग का एक भी गलत बता दिए तो आप लोग को पास नहीं होगा। ये आप लोग को 15 क्वेश्चन पूछे जाते थे अगले साल में। ठीक है, इस साल भी ऐसा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन क्या क्या पूछे, यही पूछा जाता है आप लोग को मसाले के नाम, अगर कुक के ट्रेंड में डाले हुए हैं तो आप लोग का यही कुक के रिलेटेड क्या क्या मतलब कुक में खाना बनाने में क्या क्या सामान लगती है, क्या स्पाइसी मतलब यही सब पूछे जाएंगे आप लोग का। ये सामने आप लोग का ये रख देंगे। ठीक है, ये आप लोग दिया गया हिंदी में आप लोग का फेनुग्रीक, जो आप लोग का फेनुग्रीक दिया गया मेथी बोलते हैं, जिसे आप लोग इंग्लिश में फेनुग्रीक बोलते हैं और हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं मेथी बोलते हैं। जो मेथी आप लोग यहाँ पर रख दिए इसे कहेंगे कि इसे क्या कहते हैं, अगर हिंदी में पूछे तो हिंदी बताना, अगर इंग्लिश में पूछे तो इंग्लिश में बताना होता है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार ये पूछे क्या है तो आप बता देंगे धनिया है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं कोरिएंडर बोलते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं कोरिएंडर बोलते हैं, ये आप लोग होता है इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा, इसकी PDF आप लोग को दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, आप लोग जाके सिंपली आप लोग डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। ठीक है, यही आप लोग पूछते हैं मसाले के नाम और आप लोग का खाने के रिलेटेड आप लोग को पूछ सकता है, कैसे आप लोग का रोटी वगैरह बनाया जाता है, कैसे मतलब ये सब पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग का ये आप लोग काले सरसों दिया गया ना, ये पूछ सकते हैं क्या है, इस तरह आप लोग का सामने रखा होगा और पूछेंगे ये क्या है एग्जामिनर, तो आप लोग को इससे बताना होता है ये काली, जैसे हिंदी में आप लोग पूछे हिंदी बताना है, नहीं तो आप लोग को इंग्लिश में पूछे ऑलमोस्ट इंग्लिश में ज्यादा पूछते हैं, इसलिए आप लोग इंग्लिश में आप लोग नाम रख लिया सब कुछ का, जैसे काले सरसों दिया गया इसे ब्लैक मस्टर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं, इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं इसे आदि है। ठीक है, इसे आप लोग आदि बोलते हैं, अदरक बोलते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में आप लोग जिंजर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जिंजर बोलते हैं, इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग दिया गया है, देखिए ये तेज पत्ता होता है ना, तेज पत्ता बोलते हैं हिंदी में। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में बेलीफ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बोलते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर केसर है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं सेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सेफ्रॉन, ठीक है, केसर को। इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं हल्दी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में आप लोग हल्दी
तो हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्मरिक बोलते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं हल्दी को, इसी प्रकार आप लोग जो आप लोग लाल मिर्च होता है इसे बोलते हैं रेड चिल्ली बोलते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ए टू जेड आप लोग दिया गया मसाले के नाम, और इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग याद कर लीजिए, यही आप लोग को यहाँ पूछा जाता है, आप लोग सामने रख देंगे उसे आपको पहचान को बताना होता है। इंग्लिश में पूछ सकते हैं, हिंदी में दोनों पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये दालचीनी है जिसे हम लोग सिमन बोलते हैं, सिनमन बोलते हैं, ठीक है। तो इसे सौंफ है जिसे फेनल बोलते हैं, फेनल सौंफ को, ठीक है इंग्लिश में। इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग जीरा इसे हम लोग बोलते हैं क्यूमन सीड बोलते हैं, ठीक है। ब्लैक पेपर बोलते हैं, काली मिर्च बोलते हैं, ठीक है। तो काली मिर्च जो आप लोग का दिया जाता है, उसके बाद आप लोग का इलायची को बोलते हैं कॉडम, ठीक है। उसके बाद आप लोग लौंग पे बोलते हैं क्लोबर्स, आप लोग देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर दिया गया। मैं आप लोग का ये पीडीएफ आप लोग का दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यही आप लोग को पूछा जाता है क्वेश्चन, कुक के ट्रेड बता रहा हूँ, ठीक है। कुक के ट्रेड जो आप लोग का खाना बनाने में जो करने जा रहे हैं, ऐसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप लोग का रोटी वगैरह सब कैसे बनाया जाता है, कैसे बेला जाता है, ये भी आप लोग पूछ सकते हैं। और वहाँ पर प्रैक्टिकल भी करके दिखाना होता है, ठीक है। नॉर्मली यही सब आप लोग का कुक ट्रेड में होता है, बट आप लोग का ये इंपॉर्टेंट रहता है कि आप लोग का मसाले का नाम पूछ देंगे, ये इंपॉर्टेंट रहता है इंग्लिश में और हिंदी में। और दोस्तों इंडियन फूड पूछ सकते हैं, इंडियन फूड क्या है, और आप लोग का साउथ इंडियन, वेस्ट इंडियन, नॉर्थ इंडियन, और आप लोग का यही सब आप लोग चारों दिशाओं के मतलब क्या क्या मशहूर है, जैसे आप लोग को ये भी याद रखना खाना है। जैसे मान के चलो आप लोग का पूछ देगा साउथ इंडियन में कौन सा इडली, मतलब इडली जानते होंगे, इडली डोसा ये मशहूर है साउथ इंडियन में, यही से पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कंट्री वाइज भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंट्री वाइज ये कंट्री में मतलब चाइना में क्या मतलब मशहूर है, खाने में क्या होता है, ये सब पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अदरवाइज अदर कंट्री के भी पूछ सकते हैं, और अपने कंट्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आप लोग का चारों दिशाओं और हर एक स्टेट का मतलब खाना की याद करके जाना, ठीक है, मोटा मोटा तौर पर। और दोस्तों मसाले के तो इंपॉर्टेंट है, मसाले से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, इस साल भी इससे क्वेश्चन आएगा क्योंकि कुक के ट्रेड रिलेटेड है, ठीक है। इससे बार क्या पूछा जाएगा, ठीक है। अगर अलग आप लोग का होता है रेडियो ऑपरेटर के रिलेटेड, तो रेडियो ऑपरेटर ORL का होता, ORL होता अगर आप लोग का ये होता ट्रेड, तो ये ट्रेड हमें आप लोग का क्वेश्चन पढ़ाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पढ़ाते हैं, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछते हैं, केमिस्ट्री से पूछते हैं, और आप लोग का रेडियो ऑपरेटर जो आप लोग होता है कंप्यूटर क्वेश्चन भी पूछते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पढ़ना पड़ता है बहुत बढ़िया आप लोग का, तभी आप लोग होता है। इसमें भी आप लोग 15 क्वेश्चन पूछेंगे और आप लोग का ये होता है। तो आप लोग जो भी ORL मतलब रेडियो ऑपरेटर लाइन से हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसके भी रिलेटेड वीडियो आप लोग को ला दूंगा। और दोस्तों इसकी पीडीएफ मैं आप लोग का तैयार कर रहा हूँ, और जल्दी आप लोग का पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ठीक है जुड़े रहिएगा चैनल पर, ठीक है दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, तभी आप लोग का ये मतलब मिलती रहेगी वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो मैं बिल्कुल आप लोग बता दिया हूँ क्या क्या पूछी जाती है, और कोई भी डाउट अगर आप लोग ये ट्रेड टेस्ट आप लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग क्या होता है ट्रेड टेस्ट क्लियर पास हो जाते हैं, तो उसके बाद आप लोग होता है रिटर्न एग्जाम, क्या होता है रिटर्न एग्जाम, ठीक है। तो रिटर्न एग्जाम वही कैंडिडेट बैठेंगे जो आप लोग ट्रेड टेस्ट में पास हुए हैं, ना कि आप लोग फेल हो गए तो वो बाहर हो जाते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं। ट्रेड टेस्ट अगर रिटर्न एग्जाम आप लोग पास हो गए, मतलब कटम आप लोग को पास हो गए रिटर्न एग्जाम में, नाम हो गई तो नाम हो गई, उसके बाद आप लोग होता है मेडिकल, ठीक है। तो मेडिकल होती है जो कि आप लोग का मेडिकल होती है, मेडिकल आप लोग का मेडिकल आप लोग क्लियर करने के बाद क्या होता है मेरिट लिस्ट आप लोग आती है, मेरिट लिस्ट में नाम हो गया तो आप लोग फाइनल सिलेक्शन में आप लोग का हो गया, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस आप लोग मान कर ऑलमोस्ट आप लोग का 3 मंथ आप लोग लगता है ये पूरे प्रोसेस होने में, 3 मंथ लगता है, ठीक है। तो 3 मंथ आप लोग 3 महीने आप लोग पूरे प्रोसेस में लगता है रनिंग से लेकर आप लोग का मेडिकल फाइनल मेरिट लिस्ट तक, ठीक है। ज्वाइनिंग आप लोग 3 महीने के अंदर आप लोग का आ जाती है प्रोसेस, अब स्टार्ट होते 3 मंथ ज्यादा नहीं लगता, इसलिए आप लोग को फास्ट ये होता है आसाम राइफल का, बहुत बढ़िया वैकेंसी है, इसलिए आप लोग प्रिपेरेशन बढ़िया से कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, और मेरा नंबर आप लोग का सभी के पास नहीं है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ नंबर, वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोग को जवाब दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत। और दोस्तों बता दें जो भी कनेक्ट का कोई भी ट्रेड हो और आप लोग का उससे रिलेटेड वीडियो आप लोग चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोग उससे रिलेटेड भी वीडियो आप लोग अपलोड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।